हेलो यूट्यूब, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो शेडो वर्क के ऊपर है और उसका ये वाला पैटर्न है और उसमें ये वाले थ्रेड यूज़ हो रहे हैं। ये एंकर के थ्रेड्स हैं सारे और उसमें टू स्ट्रैंड्स यूज़ करूँगी मैं। और शेडो वर्क में शेयर के ऊपर ये होता है, जैसे ये मैंने फ्रेंच शिफॉन के ऊपर किया है, आप किसी भी बारीक कपड़े के ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक साइड पे इसकी उल्टी साइड पे यानी कि बैक साइड पे आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं और वो इसकी जो सही साइड होती है वो ये वाली होती है, इसका शेडो नीचे से नज़र आता है। तो इसलिए आप जितना बारीक कपड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये खूबसूरत लगेगी। अब इस पैटर्न में, इस पैटर्न को मैंने इसलिए चूज़ किया कि इसमें मैं दो शेड यूज़ कर रही हूँ और ये बड़ा फ्लावर है और आप लोगों को आइडिया हो कि अगर बड़े साइज़ का फ्लावर हो तो उसे हमने किस तरह से उसकी एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो उसके लिए मैं ये देखें, ये मैं टू स्टैंड्स मैंने यूज़ की हैं और नॉर्मल बिल्कुल जो एम्ब्रॉयडरी वाली जो बिल्कुल नॉर्मल सुई होती है वो वाली है। इसमें बारीक वाली आप यूज़ करें ताकि इसमें ज़्यादा होल नहीं हो दुपट्टे में या शर्ट में या किसी भी चीज़ में। अब ये वाली साइड इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये वाली भी हुई है, तो हम यहाँ से स्टिच लेंगे ताकि ये इधर आए और इसमें हेरिंग बोन स्टिच बनता है। हेरिंग बोन स्टिच से ये एम्ब्रॉयडरी होती है। और अब इस साइड पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टिच कपड़े में से ले सकते हैं अगर आपको दो स्टिच शो करने हैं नीचे, अदरवाइज़ आप इन्हीं धागों में से जैसे ये वाले हैं इन्हीं में से आप निकाल सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगी, दूसरे मेथड से किस तरह से होती है। अब यहाँ तक तो ये सेम कलर था इसलिए हमने धागों में से इसे गुजार लिया है। अब यहाँ से डिफरेंट शेड शुरू हो गया है तो हम यहाँ से कपड़े में से स्टिच लेना शुरू कर देंगे। अब ये देखें, आपने लास्ट वाला स्टिच भी नहीं छोड़ना है। यूं हमने किया, ये देखें इसमें से हमने यूं गुजारा। अब हम इसे ऐसे उल्टा करके देखेंगे, ये देखें इतना गैप आ रहा है, ये इतना गैप आ रहा है। इस गैप को हमने कैसे कवर करना है क्योंकि उस साइड पे एम्ब्रॉयडरी फिल हो गई है, तो हमने यूं इस तरह से ये बैक स्टिच के साथ ये इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया यूं। स्टिच की कंटिन्यूटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए हमने उसे दूसरी साइड पे करके बैक स्टिच से कवर कर लिया है।
अब हम ये वाली जो इसका जो आउटर पार्ट है वो हम करेंगे इस लाइट पिंक के साथ। यू यहाँ से हमने स्टिच लिया। ये देखें इस साइड पे हम, अगर आप चाहते हैं जैसे ये मैंने आपको ये दूसरे तरीके से ये बताया कि आप इसके साथ साथ ये वाला शेड भी आपको इधर नज़र आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये शेड यहाँ पे नज़र नहीं आए, यहाँ पे सिर्फ डार्क ही नज़र आए, तो फिर आपने जो यहाँ पे तो ये स्टिच लेना है कपड़े में से, लेकिन जो जो दूसरा स्टिच लेना है आपने वो इस धागे में से लेना है, फिर ऐसे यूँ इसमें से यूँ आपने गुजारना है, तो फिर ये वाला शेड नज़र नहीं आएगा बाहर वाली साइड पे, जिस तरह से ये अब ये नज़र आ रहा है। फिर हम जैसे ये मैंने किया, इसमें मैंने धागे में से गुजारा तो ये वाला दूसरा शेड नज़र नहीं आया। तो ये दोनों तरीकों से मैंने बता दिए, जैसे आपको ईजी लगे आ या अच्छा लगे आप इसे कर सकते। अब हम ये लीफ बनाएंगे। अब ये देखें, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि दूसरी साइड पे ये ग्रीन यहाँ पे नज़र आए पिंक के साथ साथ, तो मैं ये पिंक के धागे के अंदर से इसे गुजार रही, कपड़े के साथ इसे नहीं कपड़े में से नहीं गुजार रही, नहीं देखो इस साइड पे मैं कपड़े में से गुजार रही। अब मुझे यहाँ से ये इसकी पार्टीशन बनानी है, तो अब मैं इस तरह से करूँ। अब इसका हमने जो एंड यहाँ से हमने स्टिच ले लिया है ये वाला, और फिर हम इस तरह से, क्योंकि अब हम इस साइड को टर्न कर रहे हैं तो हम ऐसे लेंगे फिर, और सेम हमने उसके साथ साथ से ही स्टिच लेना है, क्योंकि हमें ये वेन बनानी है, थोड़ी इसको मोटा करना है, तो हम इसको इसका डबल स्टिच शो कर सकते हैं। आप ये डिस्टेंस देख के और ये डिस्टेंस देख के आपने स्टिच को स्मॉल और लार्जर साइज़ में लेना है। जैसे आपने अब इस साइड पे थोड़ा है डिस्टेंस, इस साइड पे ज़्यादा है, तो हम यहाँ से बड़ा स्टिच लेंगे और यहाँ से स्मॉल स्टिच लेंगे, ताकि वो
पूरा कवर हो सके। और अब हम इसे यूँ इस साइड पे ले आएंगे। अब ये देखें, ये इसकी सेंटर की वेन खुद ही बन गई है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट स्टिच के साथ ये वाली इसकी बनाएंगे, ये वाली वेन्स बनाएंगे। अब हम ये वाला जो फ्लावर है, अगर आप आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने शेडो वर्क के साथ बनाना है तो इसी तरह से बनाइए आप, लेकिन अगर जिस तरह से मैंने बनाया, मैंने जस्ट इसमें वैरायटी दिखाई है कि हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीक़ों से भी बना सकते हैं। तो मैं ये वाला जो फ्लावर है इसे साटन स्टिच के साथ बनाऊँगी, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसमें वैरायटी आ जाएगी। शेडो वर्क में साथ साथ हम दूसरा भी यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखें, अब नॉट, क्योंकि हमने नॉट जो है वो बैक साइड पे ही रखनी है, जब हम दूसरी एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे तो भी हम उसी साइड पे ही रख रहे थे नॉट को, क्योंकि वो बैक साइड है एक्चुअली। आप फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं, अब हम ये वाला जो सेंटर है ये फ्रेंच नॉट के साथ फिल करेंगे। और फ्रेंच नॉट के लिए मैंने 6 स्ट्रैंड्स ली हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा उसे स्ट्रॉन्ग दिखाना है, लाइक थोड़ा सा हैवी लुक दिखाना है इसका। और 2 टाइम मैंने इसको रैप किया है। अगर आपको फैंसी बनाना है इसे, तो आप इसमें बीड्स भी लगा सकते हैं, फिर आप बीड्स का यूज़ कर लें। इस तरह से आपने ये वाला, ये देखें आप, ये वाली फ्रेंच नॉट, यही सेम मैंने ये यहाँ पे भी ये बनाई है फ्रेंच नॉट, और ये बैक स्टिच के साथ बनाया है, और ये भी फ्रेंच नॉट है, और ये वाला स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्टिच के साथ है, ये साटन स्टिच के साथ है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन देके शेडो वर्क के साथ आप डिफरेंट तरह के बना सकते हैं स्टिचेस। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।